and welcome back. Hope you all are doing good. And if you're watching me on first time, welcome to my channel. My name is Rupam. And if you are an existing subscriber, thank you so much for staying with me. Today in this video, मैं आपके साथ share करने वाली हूँ good vibes के दो facial oil और serum का review जो कि होने वाली है बहुत ही interesting. So बिना time waste के video start करते हैं and video start करने से पहले make sure आपने कर लिया है मेरे channel को subscribe और नहीं किया है तो अभी कर लो जो कि है बिल्कुल free और hit कर लो bell button को जिससे आने वाली मेरी हर नई video की update सबसे पहले आपके पास पहुँचे. So let's start the video. फर्स्ट हम बात करेंगे आर्गन फेसियल ऑयल विथ गोल्ड लीव्स की. एंड सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं. तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर के कार्डबोर्ड में पैक्ड है. एंड इसके बैक साइड में इसके बेनिफिट, हाउ टू यूज़, इंग्रेडिएंट्स एंड सारी डिटेल्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं. तो इसमें दिया हुआ है बेनिफिट साइंस ऑफ एजिंग एंड नाइट टाइम मॉइस्चराइजर. एंड नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी इंग्रेडिएंट्स की. इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल है. तो इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आर्गन ऑयल, गोल्ड लीफ, विच हैजल, विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन डी. एंड इसमें कस्टमर केयर नंबर भी दिया हुआ है. और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर. एंड इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 10 ml. तो अब मैं इसे ओपन करके इसकी इनर पैकेजिंग आपको दिखाती हूँ. तो आप देख सकते हैं ये इस तरह की ग्लास बॉटल में आती है और इसमें एक आपको ड्रॉपर भी मिलेंगे इस तरह के, जिससे कि आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं. एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा रेनी टेक्सचर है इसका. तो बस इसकी एक या दो ड्रॉप मैं अपने हैंड पे ले लूँगी. एंड देख सकते हैं इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल ही नेचुरल है. अगर आप कोई सीरम बाय करना चाहते हो जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट हो, केमिकल बिल्कुल भी ना हो, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना. इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे. एंड नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ रोज़ हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम की. इसे काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए इसका कार्डबोर्ड भी मेरे से कहीं गुम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं. इसके सारे डिटेल्स इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी बेनिफिट की. तो इसमें दिया हुआ है वन ऑफ अ काइंड फेस सीरम दैट मेंटेन स्किन इलेसिटी एंड स्मूथनेस इन्फ्यूज विथ रोज़ हिप एक्सट्रैक्ट टू ब्राइटन अनइवन स्किन टोन फॉर अ ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन. तो एंड इसकी नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ इसकी इंग्रेडिएंट्स की. तो इसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है सीसम ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई, विटाइल हाइड्रोक्सी, जोजोबा ऑयल एंड रोज हिप्स ऑयल. अब हम बात करते हैं इसकी सेल्फ लाइफ की. तो इसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है. आप इसे ईजिली बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हो. एंड इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 10 ml. और अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ. तो इसकी कंसिस्टेंसी भी सेम ही है. इसकी भी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा रनी टेक्सचर है. एंड अब मैं इसे अपने हैंड पे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ. तो आप देख सकते हो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है. और आप देख सकते हो एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो लाता है हमारे स्किन पे. एंड इसमें थोड़ी थोड़ी रोज़ की फ्रेग्रेंस आती है जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग है. जैसे प्राइमर लगाने के बाद हमारा स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उसी तरह इसे लगाने के बाद हमारा स्किन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जल्दी स्मूथ हो जाता है. तो हम इसे एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं बिफोर मेकअप. एंड आप इसे नाइट टाइम मॉइस्चराइजर में भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है. इसे यूज़ करने के बाद हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा प्लम, स्मूथ एंड ग्लोइंग लगने लगता है. तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा. तो ये थी मेरी दो फेसियल ऑयल एंड सीरम की रिव्यू. आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.